नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज मैं जो टॉपिक कराने जा रही हूं उसका नाम है क्लस्टर पॉइंट्स ऑफ अ सीक्वेंस। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको क्लस्टर पॉइंट्स के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन दी थी। अगर आप इस टॉपिक को समझना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इससे पिछला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आखिर क्लस्टर पॉइंट्स होते क्या हैं किसी भी सेट के। उसके बाद में आपको ये वाला वीडियो समझने में आसानी होगी। मैं क्लस्टर पॉइंट्स के बारे में बता चुकी हूं, इसलिए मैं डेफिनेशन से स्टार्ट करूंगी क्लस्टर पॉइंट्स ऑफ अ सीक्वेंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अ रियल नंबर पी is said to be a cluster point or limiting point। इसका एक और नाम होता है जिसको हम कहते हैं limiting point of a sequence contains infinitely many points of sequence an। यानी हर एक जो इंटरवल लेते हैं हम p के अराउंड, अगर उसमें सीक्वेंस an के इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स आ जाते हैं तो हमारी जो सीक्वेंस है उसका पॉइंट P जो है वो क्लस्टर पॉइंट बन जाता है। विच इंप्लाइज फॉर एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो, फॉर ऑल एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो, मॉड ऑफ ए एन माइनस पी लेस देन एप्साइलन फॉर इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज of sequence an। तो ये थी हमारी फॉर्मल डेफिनेशन क्लस्टर पॉइंट्स ऑफ अ सीक्वेंस के बारे में। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं क्लस्टर पॉइंट्स ऑफ अ सीक्वेंस के। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है हमारा द सीक्वेंस A n defined by A n is equal to minus 1 to the power n has minus 1 and 1 as cluster points। ये हमारी ए एन कुछ इस तरह से डिफाइन हो रही है, सीक्वेंस ए एन जिसमें पॉइंट्स है हमारे माइनस वन वन माइनस वन वन एंड सो ऑन। इसमें दो पॉइंट्स जो हैं माइनस वन वन माइनस वन वन यही रिपीट हो रहे हैं। इसके दो क्लस्टर पॉइंट्स हैं माइनस वन एंड वन। आप ये आसानी से देख सकते हैं कि अगर हम माइनस वन के अराउंड कोई भी इंटरवल क्रिएट करते हैं तो उसमें माइनस वन तो है ही, और माइनस वन जो है वो यहां पर इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स रिपीट हो रहा है। इसका मतलब कोई भी इंटरवल इसके अराउंड हम ले रहे हैं उसमें सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स आ रहे हैं, देयरफॉर माइनस वन इसका क्लस्टर पॉइंट हो गया। इसी तरह से अगर हम वन के अराउंड एकदम छोटे से छोटा भी इंटरवल क्रिएट करें तो उसमें वन तो आएगा ही, तो वन अगर आ रहा है
तो 1 यहां पर infinitely many times repeat हो रहा है, यानी कि इसमें sequence के infinitely many points आ रहे हैं. Therefore, यहां पर दो cluster points हमको मिल रहे हैं, 1 and minus 1. Second example लेते हैं, the sequence one, one by two, one by three, and so on has only one cluster point. ये जो sequence है हमारी, one, minus one, sorry, one, one by two, one by three, and so on. इसमें खाली हमारा एक ही क्लस्टर पॉइंट है जो कि है 0. हम यहां पर 0 के अराउंड एक छोटे से छोटा भी इंटरवल क्रिएट कर लेंगे, चाहे वो कितना भी छोटा हो, तो उसमें सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स आएंगे. इसके अलावा अगर आप 1 के अराउंड करते हैं, 1/2 के अराउंड करते हैं, 1/3 के अराउंड करते हैं, तो हमारे पास हर एक इंटरवल में infinitely many points नहीं है sequence के, खाली एक 0 ही एक ऐसा point है जिसके around हम छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कैसा भी interval create कर दें, उसमें हमारे पास में sequence के infinitely many points आएंगे. Third example है, the sequence 1, 2, 3, 4 and so on has no cluster points. ये जो sequence है 1, 2, 3, 4 and so on, इसमें कोई cluster point है ही नहीं. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक sequence के cluster points हो, कोई sequence के cluster points नहीं भी हो सकते हैं जिसका ये example है. कोई सीक्वेंस का खाली एक क्लस्टर पॉइंट हो, उसका ये एग्जांपल है. कोई सीक्वेंसेस ऐसी होती हैं जिसके एक से ज्यादा क्लस्टर पॉइंट्स हो सकते हैं, उसका ये एग्जांपल है. तो यहां पर मैंने हर तरह के एग्जांपल्स को कवर करा है. तो चलिए इसकी एक बहुत ही इजी बट इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में एक्सप्लेन करते हैं. थ्योरम है, इफ सीक्वेंस an converges to L, then L is the only cluster point of a sequence AN. अगर हमारे पास में कोई भी सीक्वेंस है AN जो कि L को कन्वर्ज कर रही है, तो उस सीक्वेंस का खाली एक ही क्लस्टर पॉइंट होगा जो कि उसका लिमिट L है. तो चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका. फर्स्ट वी विल शो हम पहले सबसे ये शो करेंगे कि L इसकी लिमिट है, इसके कारण ये इसका क्लस्टर पॉइंट है. L is the cluster point. Of the sequence AN. यहां पर L जो है वो इसकी लिमिट है. Therefore, for all epsilon greater than 0, there exists a positive integer m such that mod of an minus l less than epsilon for all n greater than equal to m. इसका मतलब हुआ कि for every epsilon greater than 0, कुछ फाइनाइट m टर्म्स को छोड़कर बाकी सभी की सभी जो टर्म्स हैं
उन सब का डिफरेंस एल से लेस देन एप्सिलॉन है, यानी कि एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन ए एन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, यानी कि कोई भी इंटरवल है एल के अराउंड एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन, उसमें कुछ फाइनाइट टर्म्स को छोड़कर बाकी सभी की सभी जो टर्म्स हैं इनफाइनाइट टर्म्स वो उस इंटरवल के अंदर आ रही हैं। देयरफॉर एल इज द क्लस्टर पॉइंट ऑफ सीक्वेंस ए एन। अब हम ये प्रूव करेंगे कि ये क्लस्टर पॉइंट जो है वो यूनिक है, इसके अलावा कोई भी और क्लस्टर पॉइंट नहीं हो सकता है इस सीक्वेंस का। सपोज एल डैश इज एनी अदर क्लस्टर पॉइंट, we will prove L is equal to L dash. हम ये प्रूव करेंगे कि यहां पर L और L dash जो है वो सेम है। सपोज epsilon greater than 0 be given. And L is the limit of sequence AN. Therefore, there exists a positive integer P such that mod of AN minus L less than epsilon by 2 for all n greater than equal to p. Since L dash is a cluster point, therefore हम जानते हैं कि L dash के अराउंड हम कोई भी इंटरवल क्रिएट करेंगे उसमें इस सीक्वेंस ए एन के इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स आएंगे। देयरफॉर फॉर एप्सिलॉन बाय 2 ग्रेटर देन 0 एल माइनस एप्सिलॉन बाय 2 एल प्लस एप्सिलॉन बाय 2 ये जो इंटरवल है उसमें ए एन के इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स आएंगे। ए एन बिलोंग्स टू दिस इंटरवल फॉर इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज। सपोज ये जो पी है ये हमारे पास में ये जो ए पी है वो सपोज इस एल माइनस एप्सिलॉन बाय 2 एल प्लस एप्सिलॉन बाय 2 सॉरी ये एल डैश है इसके अंदर कंटेन कर रहा है, तो हमारे पास में ए पी माइनस एल डैश लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 हो गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। ऑल्सो हमें ये दे रखा है ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू पी इंक्लूडिंग पी। देयरफॉर ए पी माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 इसको हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं।
अब हम कंसिडर करते हैं, कंसिडर मॉड ऑफ एल माइनस एल डैश। यहां पर हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस एपी प्लस एल प्लस एपी माइनस एल डैश। ये हो गया हमारा लेस देन इक्वल टू एपी माइनस एल प्लस एपी माइनस एल डैश। तो ये हो गया हमारा लेस देन एप्सिलॉन बाय टू प्लस लेस देन एप्सिलॉन बाय टू, यानी कि लेस देन एप्सिलॉन, यानी कि हमारे पास में मॉड ऑफ एल माइनस एल डैश जो है वो लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है। अब एप्सिलॉन जो है वो हमारा एक आर्बिटरी नंबर है, यानी मॉड ऑफ एल माइनस एल डैश जो है वो हर एक एप्सिलॉन से छोटा हो रहा है, यानी कि एल माइनस एल डैश जो है वो हमारा जीरो हो रहा है। देयरफॉर एल इज इक्वल टू एल डैश, यानी कि हमारे पास में एक अकेली लिमिट आ रही है, एक अकेला क्लस्टर पॉइंट आ रहा है जो कि है एल। यानी हमारे पास में कभी भी कोई भी सीक्वेंस है ए एन जो कि अगर एल को कन्वर्ज करेगी तो उसका क्लस्टर पॉइंट एल होगा, जो कि एक अकेला क्लस्टर पॉइंट ही होगा। अब इस थ्योरम का जो कन्वर्स है वो जरूरी नहीं है कि ट्रू हो, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक सीक्वेंस ए एन जिसको कुछ इस तरह से डिफाइन करा है, ए एन इज इक्वल टू वन बाय एन इफ एन इज इवन, जीरो इफ एन इज ऑड। इसको हमने कुछ इस तरह से डिफाइन करा है। अब हम यहां पर देख सकते हैं कि इसका एक अकेला क्लस्टर पॉइंट है जो कि जीरो है। यहां पर हम जीरो के अराउंड कोई भी इंटरवल क्रिएट करेंगे छोटे से छोटा, तो उसमें सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स आएंगे, लेकिन फिर भी ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है, बल्कि ये एक ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। यहां पर हम लिख सकते हैं द सीक्वेंस ए एन हैज ओनली वन क्लस्टर पॉइंट, नेमली जीरो, बट सीक्वेंस डजंट कन्वर्ज टू जीरो। सीक्वेंस ए एन इज एन ऑसिलेटरी सीक्वेंस। यहां पर ये जो सीक्वेंस है ए एन ये एक ऑसिलेटरी सीक्वेंस है, ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है ही नहीं। तो यहां पर था मैंने आपको जो एक्सप्लेन करा है वो है क्लस्टर पॉइंट्स ऑफ अ सीक्वेंस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी टॉपिक की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम बताने वाली हूं, जो कि ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल है बट काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है बोल्जानो वीस्टास थ्योरम। फॉर सीक्वेंसेस ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस टॉपिक के अंडर, सीक्वेंसेस के अंडर। प्रूफ बहुत ही सिंपल है इसका और इस पर बेस कुछ कोरोलरीज मैं आपको करके बताऊंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप फ्यूचर में इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके रियल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट हिंदी में पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।